पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसे को देखकर मन में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि ये कैसे हुआ, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था। अब इस सवाल का जवाब हाँ है या ना, इस वीडियो में उस पर ही चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में एक मालगाड़ी ने सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस टक्कर की वजह से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और बहुत से लोग घायल हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर कि क्या ये हादसा टाला जा सकता था। दरअसल सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ट्रेन में एक कवच सिस्टम होता है। अब सवाल है कि ये कवच सिस्टम क्या होता है और ये आखिर काम कैसे करता है। तो रेलवे की तरफ से अभी तक इस तरह के ट्रेन हादसों को रोकने वाले कवच सिस्टम को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल है कि रेलवे का कवच सिस्टम क्या है और काम कैसे करेगा। तो रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की मदद से डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम शुरू किया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS था। दरअसल रेल भारत के लगभग सभी कोनों तक पहुंचती है और इसे हर दिन लाखों लोग इसमें सफर करते हैं। ट्रेन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना था। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरू किया गया था और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर काम कैसे करता है। तो कवच सिस्टम में कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सेंसर शामिल है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रेन, रेलवे ट्रैक, रेलवे सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट्स से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई लोको पायलट यानी ट्रेन चालक किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। इसके बाद ये सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रिक्स का कंट्रोल हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वो पहली ट्रेन को रोक देता है। ये सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और आगे सिग्नल शेयर करता रहता है। तो ये वो कवच है जिसके कारण हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ रेल हादसा है वो रुक जाएगा, लेकिन ये कवच फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ इसे लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कोई भी आधिकारिक सूचना कवच से रिलेटेड नहीं आई है, लेकिन आज जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी आपको वो सबसे पहले मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।